हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे इन्फिनिटी सेगा के बारे में, जो कि ओवरऑल रिलीज होने को तैयार है। बट उससे पहले हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में। तो जैसा कि आप मेरी वीडियो के बिहाइंड द सीन में लिख रहे हो, इसमें हमें एवेंजर एंड गेम के कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिले हैं, जिसमें कि अल्टरनेट न्यू टाइम मशीन देखने को मिली है, जिसमें कि ब्लैक विडो, आयरन मैन एक साथ टाइम ट्रेवलिंग कर रहे हैं और ब्रूस बैनर मशीन का यूज़ कर रहे हैं। पर इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें देखने के बाद ये लगता है कि इनका जो टाइम ट्रेवलिंग का तरीका है वो कुछ अलग है, तो शायद इसीलिए ये कैंसिल कर दिया और ये सीन शायद डिलीट भी कर दिया होगा। और इसलिए हमें एवेंजर एंड गेम में देखने को क्या मिला कि टोनी स्टार्क कोई नई टाइम मशीन बनाता है और देन एवेंजर एंड गेम में वो एक अलग किम पार्टिकल्स का यूज कर जाते हैं। देन उसी के साथ एक और कौन सा पार्ट देखने को मिला रोनिन का, जो कि था हांगकांग टोक्यो में। काफी कमाल का लग रहा है, जबरदस्त। देन उसी के साथ अगर आपको ये सब देखने हैं तो मेरे यूट्यूब पर डले हुए हैं और उसी के साथ मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पे भी डले हुए हैं। देन गार्डियन द गैलेक्सी पॉसिबली 2022 को रिलीज हो सकती है। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम के सेलिब्रेशन के लिए रूसो ब्रदर काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े लेवल पर और सभी को टी शर्ट्स वगैरह बांट रहे हैं काफी ज्यादा। देन उसके बाद टागे वाटी ने थॉर 4 की स्क्रीन प्ले कम्प्लीट कर लिया और नेक्स्ट ईयर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ टीवी न्यूज़ आ रही है आपके लिए काफ़ी कमाल की। लोकी की टीवी सीरीज नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी हमें थॉर 4 की भी और लोकी की भी फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। देन उसके साथ डार्क फोनिस के स्कल्स का कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है, जो कि हमें मूवी में तो दिखाई नहीं गए प्रॉपर तरीके से, पर कॉन्सेप्ट आर्ट से देख के लगता है कि शायद एमसीयू के ज़्यादा बेटर स्कल्स थे। देन एंडो, जो कि स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते थे सोनी यूनिवर्स में, सोनी स्पाइडरमैन में, वो शायद फ्यूचर मून नाइट का रोल प्ले कर सकते हैं। ये मार्वल की टॉप चॉइस है। देन एक और टीवी न्यूज़, फाइनली विंटर सोल्जर ऑफ फैल्कन, जो कि हमारे सेबेस्टियन ने एक इमेज डाली है अपनी प्रैक्टिस करती हुई, जिम करती हुई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देन इसके बाद इन्फिनिटी सेगा कन्फर्म हो चुकी है, पूरा कंप्लीट बॉक्स सेटअप हो चुका है, केविन फाइगी ने खुद ही कन्फर्म करा है और जल्दी से ये रिलीज होने को तैयार भी है। उसके साथ 4K अल्ट्रा HD इंग्लिश अक्टूबर को रिलीज होगी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की, ये उसका ऑफिशियली फर्स्ट लुक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देन एक और काफ़ी कमाल का अपडेट, कैप्टन अमेरिका की पहली जो कॉमिक थी वो करीब 6 करोड़ बिकी है। जी हाँ, 6 करोड़ की बिकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और देन ये कॉमिक जिसने भी खरीदी, मैं तो कहता हूँ बहुत पैसे वाला होगा और देन बिगेस्ट मार्वल फैन भी होगा। आप कितने बिगेस्ट मार्वल फैन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर आपको मार्वल का कुछ खरीदने का मौका मिला है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक देखकर पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।